बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्रिकेट विद मी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अनम और आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अपडेट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में। क्या ही शानदार और ज़बरदस्त मैच चल रहा है गाइस। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो गई है। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग, वो बॉलिंग अटैक जिसको दुनिया भर में कहा जाता है कि ज़बरदस्त और डेंजरस बॉलिंग अटैक है, आज उन्होंने साबित कर दिया। इंडिया के ख़िलाफ़ क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर और उम्मीद है कि बल्लेबाज भी आज अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। क्या ही शानदार मैच रहा है। सनसनी खेज पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा मज़ेदार। वो ओपनिंग प्लेयर इंडिया का जिसको हर कोई डेंजरस कह रहा था गाइज, हम लोगों ने जो पब्लिक रिएक्शन किया था उसमें भी लोग कह रहे थे कि KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत डेंजरस है, लेकिन शाहीनों ने ये साबित कर दिया कि उनके आगे कोई जितना मर्जी डेंजरस हो उनके आगे कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने आज अपने खासतौर पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने ये साबित कर दिया है कि वो लोग वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में उतरते हैं। क्या ही शानदार और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर्स और पाकिस्तान के बैट्समैन। इवन दैट आप देखें तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, वो जब मैदान में खड़े हुए हैं तो लग रहा है कि कोई शानदार कैप्टन खड़ा है जो कि फुल एनर्जेटिक है, फुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरा हुआ है। दूसरी तरफ विराट कोहली, बेशक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 50 स्कोर की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से जो लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम अपने लिए खेलता है, आज ऐसा लगा कि विराट कोहली ने अपने लिए खेला है। ऐसी कोई ऐसा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। 151 का टारगेट दिया है पाकिस्तान को, 7 खिलाड़ी आउट है। बेशक टारगेट एक अच्छा टारगेट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल टारगेट है, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन में भी वो कैपेबिलिटी है, वो उन लोगों के अंदर वो जोश, जज्बा, जुनून और साथ साथ उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो इस स्कोर को बहुत अच्छे से जो है वो चेस करेंगे। और देखिएगा कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देंगे जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिए। बहरहाल अब तक की जो अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए वो यही है कि मैच बहुत सनसनीखेज है। जो इस मैच को कहते हैं कि 50-50% चांसेस है, तो मुझे तो पता नहीं क्यों अब ये 70-30 का चांसेस लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये गेम है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अभी तक का मैच देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। क्या शानदार फील्डिंग, क्या शानदार बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी छा चुके हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब कि क्या कहें हम शाहीन शाह अफरीदी के लिए, यकीन करें आप कि हम लोग इस टाइम स्टूडियो में है और हम लोग आपको बता नहीं सकते कि हमारे पे क्या हम लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मैच है, आप लोग इसी मैच को देखते रहें, साथ साथ हमारे चैनल को भी विजिट करते रहें। मैच ख़त्म होते ही हम लोग अपनी जो हमारा तजिया है, ख़ासतौर पे फौरन से मैच के ख़त्म होने के बाद जो भी हमारे एहसास होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल पे आते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। जब तक हमारी अगली वीडियो नहीं आती तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।